सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जनपद में सेंट मैरी विद्यालय में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया। जनपद मैनपुरी के आश्रम रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार महायज्ञ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला कार्यवाहक जय प्रकाश के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें विद्यालय प्रधानाचार्य मनोरमा दास, दीपक दास, अतुल चौहान, नगर गो सेवा प्रमुख के अलावा समस्त स्कूल के बच्चों व स्टाफ ने भाग लिया। मैम, सेंट मैरी स्कूल में आज क्या कार्यक्रम का आयोजन, किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई, सूर्य नमस्कार का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया बच्चों को, और मेन इसका एम था हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का परिचय बच्चों को दें, बच्चों को उनके लाइफ से इंस्पिरेशन मिले, इस तरह का प्रोग्राम। मैम, मुख्यतिथि की बात करें तो कार्यक्रम के मुख्यतिथि कौन रहे आज के? आज के RSS के प्रभारी हैं जो कि तीन जिलों को देख रहे हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उनका उद्बोधन भी था बच्चों के लिए, उन्होंने भारतवर्ष के बारे में, देश की एकता के बारे में और युवाओं को बहुत अच्छा संबोधन दिया, जिसके लिए हमारे यहाँ आज जरूर बता पाया। लेकिन नरेंद्र जी बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहे थे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने एक एक अक्षर जो गुरुदेव ने बताया था, कितना ध्यानमग्न थे वो अपनी बात कहते हुए भी, कितनी उनके अंदर लगन थी कि वो जो शिक्षा दी जा रही थी शिक्षा को पूरा आत्मसात कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। हमें भी उनके प्रेरक प्रसंग से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे गुरुजन कितना अपना कीमती समय पूरी आपके ऊपर आस्था और ऋण देते हैं मेरी ये है, और आप उनको नहीं सुनते तो बड़ा कष्ट होता है। नंदन जी उनको जो सुन रहे थे, जब उनको खड़ा किया गया तो उन्होंने एक एक अक्षर जो गुरुदेव ने बताया था वो वहां पर कहा। गुरुदेव ने सभी छात्रों को खड़ा कर दिया, साथ में नरेंद्र जी भी खड़े हो गए। कितने अनुशासित थे अनुमान लगाइए। जब उनसे कहा कि नहीं नरेंद्र आप क्यों खड़े हैं, आपने तो जो हमने बताया था सिखाया था वो सब कुछ सीख लिया है, आप बैठ जाइए। आप हार के सुर पे खड़े हो गए कि गुरुदेव ये इनका दोष नहीं है, इनसे चर्चा मैं कर रहा था, अतः मैंने आपको बता जरूर दिया, लेकिन मैं भी उतना ही दोषी हूं कहने का अभिप्राय। तो जो हमारे गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं वो शिक्षा हमें ध्यान रखनी चाहिए, शेष चर्चाओं के लिए हमारे पास में समय अलग से हो, लेकिन चर्चा काश हो भी रही है तो भी हमारा पूरा ध्यान हमारे गुरुजनों की शिक्षा की ओर होना चाहिए। इस प्रेरक प्रसंग से मैं आपको यहाँ पर यह शिक्षा देना चाहूंगा। बंद हो इसके बाद में भैया ने बहुत सी बात बताई, मैं तो थोड़ा सा उनके गुरु के बारे में भी प्रकाश डालना चाहूंगा। तो उनके जो गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस जी, ईश्वर की खोज में ये निकले ही थे नरेंद्र देव जी। मानव पर कष्ट क्यों पड़ता है, इस संबंध में भी